हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक द सेना ऑफ बिस्मिल्ला खान। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला खान कंपनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कंसर्न। 14 साल की उम्र में वो अपने चाचा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक समारोह में गए, संगोष्ठी में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेडिकल उस्ताद फैज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। समारोह की समाप्ति पर जब उसने अपनी प्रस्तुति दी, उसकी समाप्ति के बाद उस्ताद फैज खान ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन मेहनत करो और तुम कामयाब हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्ला खान बिग ब्रेक। जब हिंदुस्तान में पहली बार रेडियो प्रसारण हुआ लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्ला खान को एक बड़ा अवसर मिला। ही सून बिकम एन ओपन हार्ड सेनाई प्लेयर ऑन रेडियो और जल्द ही वह पूरे देश में रेडियो को प्रसारण आए सुने जाने वाले व्यक्ति बन गए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947 बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सेनाई। जब इंडिया को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्ला खान पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी सेनाई से सबको खुश किया था। ही प्रोड्यूस हिज आर्ट आउट इन टू रॉक कैफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने उस रॉक के अंत में जो रॉक कैफी गाया था, उन्होंने अपना सारा दिल मोड़ दिया, सारा सब कुछ, सारा ज्ञान उसमें डाल दिया था और अपने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और उन सुनने वालों में दो शख्सियत महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और इस सुनने के बाद ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिया था। बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारी यादगार प्रस्तुतियां दी हैं इंडिया और इंडिया से बाहर दोनों जगह। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज़ टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज़ सो टेकन इन बाय द मास्टर दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सॉवरेंस। उनकी पहली यात्रा, देश से बाहर यात्रा, अफगानिस्तान के राजा जहीर शाह के यहाँ थी और वह उनके उस संगीत से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको बेस कीमती पर्शियन पेरिस के कारपेट्स दिए और एक स्मृति चिन्ह, बहुत सारे स्मृति चिन्ह दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान इज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला खान म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान के राजा नहीं, जो ऐसे नहीं थे जो केवल उनसे प्रभावित थे, उनके दीवाने थे, और भी बहुत सारे लोग थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला खान प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सेनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जब उन्होंने एक प्रस्तुति समारोह में बिस्मिल्ला खान को सेनाई बजाते सुना, तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही गूंज उठी सेनाई रख दिया। द फिल्म वाज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्नड आउट टू बी ए नेशनल वाइड ब्लॉकबस्टर। केवल फिल्म हिट ही नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने उसके अंदर जो संगीत दिया था, एक उसका एक गाना था दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये इतना ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में रेडियो पर बजने वाला संगीत था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस ही इज शैलोलाइड वर्ड बिस्मिल्ला खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू टू। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी उन्होंने, बिस्मिल्ला खान ने केवल फिल्मों में, दो ही फिल्मों में संगीत दिया है, पहला विजय भट्ट गूंज उठी सेनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनादई अपन्ना, केवल दो ही फिल्में थी, हिंदी में गूंज उठी सेनाई और एक कन्नड़ फिल्म विक्रम श्रीनिवासन की सनादई अपन्ना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वुड ही सेज एपिथेटिकली। जोर देकर ये बात कहते हैं कि मैं बनावटी दुनिया और चमक धमक की दुनिया में उनकी शर्तों पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नेचुरल कवि थे, नेचुरल संगीतज्ञ थे, तो नेचुरल तरीके से काम कर सकते थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, सम्मान और पहचान उनके पास बहुत जल्दी जल्दी आए। बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द USA। बिस्मिल्ला खान पहले ऐसे संगीतज्ञ या संगीत से संबंधित व्यक्ति थे जिन्हें प्रस्तुति देने के लिए
शानदार लिंकन सेंटर हॉल जो कि यूएसए में वहाँ बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड द इन द ओसाका ट्रेड फेयर। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मटेरियल कैनस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका के ट्रेड फेयर के लिए आमंत्रित किया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम। और इतने ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि तेहरान में तो उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी बना दिया गया है। तहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्ला खां, जिसका नाम है तहर मौसकी बिस्मिल्ला उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उस ऑडिटोरियम का नाम है। नेशनल अवार्ड लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। भारतीय पुरस्कार जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको प्रदान किए गए हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड द भारत रत्न। सन 2001 में उनको सब सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान से नवाजा गया था जो कि भारत रत्न होता है। 2001 में उनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। विद द कोटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिस्टरिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। अपने सीने पर उन अवार्डों को सजाते हुए और वो सीना चौड़ा करते हुए और अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहते हैं कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। अब वो कहते हैं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, ये हमारी सबसे पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, संगीत जो है हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन परंपरा है। अब तो यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी, यूरोप के लोग भी हमारे इस म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फाउंडली कॉल्ड इज एक्साइटिंगली फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमरो एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब जो हैं बहुत ही शौकीन तरीके से, बहुत ही गर्व से और बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होकर बनारस और डुमरो के बारे में बातें करते हैं और वो इन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर मानते हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वन वंस वांटेड हिम टू हेड एशियन हाई स्कूल इन द यूएसए। उनका एक विद्यार्थी ने चाहता था कि वो यूएसए में एशियन हाई स्कूल चलाएँ और वहीं पर ही रहें। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाई रिफ्लेक्टिंग द टेम्पल्स देयर। और उनको उस विद्यार्थी ने कहा कि मैं आपको बनारस में वैसा ही माहौल बना कर दूंगा, वैसा ही वातावरण दूंगा, मैं आपको वैसे मंदिर बना कर दूंगा जैसे बनारस में है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। किंतु खान साहब ने कहा कि आप मंदिर तो वहाँ बनवा देंगे किंतु क्या आप गंगा को भी बहा सकते हैं वहाँ पर, ऐसे कि जैसे ये देखिए, ये उनका गंगा के प्रति, हिंदुस्तान की मिट्टी के प्रति ये उनका प्रेम था और जो गंगा से जो उनका लगाव था ये इस बारे में प्रदर्शित करता है। लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव शेड। बाद में वो याद करते कहते हैं दैट्स वाई वैन एवर आई एम इन फॉरन कंट्री आई कीप यर्लिंग टू सी हिंदुस्तान। यही वजह है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए बेचैन रहता हूँ, बेताब रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ आई थिंक ऑफ ओनली वाराणसी, मैं केवल वाराणसी एंड द होली गंगा और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन वाराणसी आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमरो। और कहते हैं कि जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मैं अपने गाँव की उस डुमरो गाँव की उस मठा उस छाछ को मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जो जीवन है वो संपूर्णतः एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे इस सांस्कृतिक देश भारत के लिए। एक पक्का मुसलमान होते हुए भी, उनके जैसा एक पांच वक्त का नमाजी मुसलमान होते हुए भी, वो विष्णु मंदिर में बड़े ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से काशी विष्णु मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। देखिए ये एक भारतीय संस्कृति का मिला जुला रूप है, इनसे सभी को सीखना चाहिए। जहाँ आपका लेसन समाप्त होता है आप इसे रीड एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।